नाउ हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का. डिवाइड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपको पी ऑफ एक्स दिया होता है उसको आपको अंदर लिखना होता है. तो पी ऑफ एक्स क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, एंड जी ऑफ एक्स है उसको बाहर लिखना होता है क्या पे, एक्स स्क्वायर माइनस टू. ओके, अब यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर है. यदि आपको जी ऑफ एक्स में क्या, यदि आपको जो सेकंड क्वेश्चन में देखो तो पी ऑफ एक्स में क्या दिया, एक्स रेस टू फोर, बाद में एक्स का क्यूब वाला टर्म नहीं है. तो जब आपको एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं होता तो उसमें क्या पुट करने का, उसके लिए जो सेकंड क्वेश्चन के लिए जो कंडीशन होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे एक्स रेस टू फोर प्लस जीरो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव. ओके, इस तरह से होगा. थर्ड वालों के लिए थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक्स रेस टू फोर है, बाद में एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है तो क्या जीरो एक्स क्यूब, बाद में प्लस करो या तो माइनस करो कुछ भी करो उसमें तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो जीरो ही है. बाद में एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म नहीं है तो एक्स जीरो एक्स स्क्वायर होगा, एंड देन आफ्टर माइनस फाइव एक्स है तो माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ओके, माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स. ओके, यहाँ पे हमने पी ऑफ एक्स तीनों क्वेश्चन के लिए लिखा. हम एक ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको समझना है पूरा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब हमें गिवन है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, एंड टू इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा टू एक्स. तो टू एक्स कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या जो एक्स वाला टर्म है ना उसी के नीचे. ओके, माइनस टू एक्स, देन आफ्टर हम साइन यहाँ पे चेंज करें, यहाँ पे प्लस है कोई नहीं है तो प्लस होता है, क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस है उसका प्लस कर देंगे. तो एक्स क्यूब कट हो जाएगा, फाइव एक्स प्लस टू एक्स कितना होगा सेवन एक्स, ऊपर जाएगा थ्री और यहाँ पे क्या होगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर. हमारे पास एक्स स्क्वायर है लेकिन माइनस थ्री नहीं है, तो माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस प्लस जो यहाँ पे सेवन एक्स वाले तो टर्म ही नहीं, टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री करोगे तो माइनस सिक्स होगा, माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस सिक्स होगा. ओके, बाद में साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस है वो प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बाद में यहाँ पे सेवन एक्स एज इट इज नीचे आएगा सेवन एक्स, और माइनस थ्री माइनस सिक्स क्या होगा माइनस नाइन. ओके, तो यहाँ पे हमें पी ऑफ एक्स मिला है, पी ऑफ एक्स सॉरी क्यू ऑफ एक्स यानी कि कोशेंट, कोशेंट क्या मिला है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड आर ऑफ एक्स यानी कि रिमाइंडर क्या मिला है आर ऑफ एक्स सॉरी यहाँ पे q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस थ्री, एंड r ऑफ x यानी कि सेवन एक्स माइनस नाइन. ओके, समझ में आया क्या करना. नाउ यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, p ऑफ x जो दिया था हमने उसके बेस p ऑफ x लिख लिया. ओके, देन आपको डिवाइड करना है q g ऑफ x है, g ऑफ x में क्या लिखने का x स्क्वायर वाला टर्म आगे लिखने का, उसके बाद x वाला टर्म है तो माइनस x और प्लस वन, और आप एज इट इज बाद में कर सकते हो. ओके, और यहाँ पे एक्स रेस टू फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स था, तो उस बाकी के जो दो मिसिंग पावर वाले टर्म थे जीरो एक्स क्यूब लिखा और जीरो एक्स स्क्वायर लिखा. देन आफ्टर जो हमें क्यू ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स गिवन है क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो यहाँ पे इसका हम कर सकते हैं. ओके, आ जाएगा कि मैं करवाऊँ. तो सेकेंड क्वेश्चन में भी वही टाइप का है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो दिया है वो क्या है क्यू ऑफ एक्स है सॉरी जी ऑफ एक्स है, फर्स्ट टर्म है वो क्या है g ऑफ x है, एंड जो सेकेंड टर्म है वो क्या है p ऑफ x है. ओके, तो उसमें चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, यानी कि क्या फर्स्ट से आप डिवाइड करोगे और आंसर क्या आपको मिलना चाहिए जीरो मिलना चाहिए बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो p ऑफ x यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो लिखेंगे, तो टू टी रेस टू फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व. ओके, अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स आपको क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री. नाउ हम डिवाइड करेंगे, यदि फैक्टर होगा तो आंसर क्या मिलेगा रिमाइंडर जीरो मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा जीरो. तो यहाँ पे टू टी रेस टू फोर माइनस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व. ओके, और उसी बेज यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है टी स्क्वायर
माइनस थ्री, तो टी रेस टू फोर, टी रेस टू फोर लाने के लिए, टी का पावर फोर लाने के लिए इसको टी स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर, तो प्लस थ्री टी क्यूब, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो टी क्यूब टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टी रेस टू फोर होगा, तो भाई टी टू है उसका क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं यहाँ पे टी स्क्वायर के आगे टू लगा देते हैं, टी स्क्वायर इंटू टू टी स्क्वायर क्या होगा, टू टी रेस टू फोर होगा, देन आफ्टर माइनस थ्री इंटू टू करोगे तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टी स्क्वायर होगा, तो टी स्क्वायर के नीचे ही हम लिखेंगे तो माइनस सिक्स टी स्क्वायर होगा, ओके नाउ अब क्या करने का, साइन चेंज, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस है वहाँ पे प्लस, ये दोनों कट हो जाएगा, ओके ऊपर से क्या आएगा थ्री टी क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो सिक्स टी स्क्वायर माइनस टू टू टी स्क्वायर, तो क्या होगा प्लस फोर टी स्क्वायर, और एक और टर्म उतारेंगे नीचे तो क्या आएगा माइनस नाइन टी, ओके नाउ अब यहाँ पे टी क्यूब है और हमारे पास टी स्क्वायर है, कि यहाँ पे थ्री के आगे प्लस की साइन है, तो टी क्यूब लाने के लिए क्या टी स्क्वायर को किसके साथ टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे जो साइन होती है वही हमें ऊपर मल्टीप्लीकेशन में पुट करने की, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बाद में यहाँ पे क्या थ्री है तो थ्री लाने के लिए टी स्क्वायर को किसके साथ थ्री टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ थ्री टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टी क्यूब मिलेगा, ओके थ्री टी क्यूब, तो थ्री टी क्यूब बाद में माइनस थ्री इंटू थ्री, तो थ्री थ्री जा कितना होगा माइनस नाइन, माइनस नाइन टी, ओके थ्री इंटू थ्री, तो थ्री थ्री जा नाइन और टी है तो एक प्लस एक माइनस है तो माइनस नाइन टी होगा, नाउ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो वो क्या माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है वो प्लस करेंगे, ये दोनों कट हो जाएगा, नाउ हमारे पास अब क्या बचता है फोर टी स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर से क्या है माइनस ट्वेल्व, यहाँ पे टी स्क्वायर है हमारे पास तो टी स्क्वायर है भाई, अब हमें टी स्क्वायर की जरूरत नहीं है, टी की जरूरत नहीं है, तो नाउ यहाँ पे क्या है फोर है हमारे पास फोर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कौन सी है फोर के आगे प्लस की साइन है तो प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फोर टी स्क्वायर इन फोर इंटू टी स्क्वायर, तो क्या होगा फोर टी स्क्वायर एंड माइनस थ्री इंटू फोर, तो माइनस थ्री इंटू फोर थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो माइनस ट्वेल्व होगा, नाउ साइन चेंज करेंगे यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है वो प्लस हो जाएगी कट हो जाएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें जीरो मिलेगा, तो व्हेन वी गेट रिमाइंडर जीरो इसका मतलब क्या होता है, सो फर्स्ट टर्म इज द पॉलिनोम फैक्टर ऑफ द सेकेंड टर्म, क्या हियर हियर रिमाइंडर बिकम जीरो, सो फर्स्ट टर्म इज द पॉलिनोम सॉरी फर्स्ट टर्म इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड, या तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, ओके समझ में आया, ओके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर नाइन एक मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है, ओके और बहुत सिंपल सा भी है, फाइंड द जीरोस, हमें यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करने, टू एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, इफ यू नो दैट द टू जीरोस ऑफ, क्या उसके दो जीरो आपके पास ऑलरेडी होते हैं तो आपको यहाँ पे पहले मुझे एक चीज बता दूं कि यहाँ पे एक्स रेस टू कितना है मैक्सिमम पावर फोर है, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज अ फोर, सो इसके मैक्सिमम जीरो कितने हो गए, टोटल फोर जीरो हो गए, कितने जीरोस हो गए फोर जीरोस हो गए, ओके नाउ यहाँ पे हमें ऑलरेडी टू जीरोस गिवन है, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पॉलिनोमियल गिवन है वो लिख लेते हैं, ये फोर मार्क्स के लिए या तो फोर मार्क्स के लिए मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन रहता है, तो एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन रहता है, ओके तो पी ऑफ एक्स आपको जो गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, एंड देन आफ्टर आपको दो जीरोस गिवन है, जीरोस यानी कि क्या होता है एक्स इज इक्वल टू आपको रूट टू मिलता है एक में आंसर और सेकेंड में एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू मिलता है, ओके नाउ हम क्या करते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो है, अब आप लोग हम वहाँ पे क्या करते थे पहले एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो होता है, तो बाद में आप क्या करते हैं x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, बाद में x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो,
देन आफ्टर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, इस तरह से आगे जाते थे ना, तो हम यहाँ पे उल्टा रिवर्स प्रोसेस करते हैं। तो एक्स माइनस रूट टू होगा, ए रूट टू सामने की साइड और लेफ्ट साइड जाएगा तो रूट माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू है तो लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दे, एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा टू ही मिलेगा, क्या मिलेगा तो आपको नाउ यहाँ पे आपके पास सॉरी रूट टू जीरो जो टू मिलेगा इज इक्वल टू जीरो। नाउ यहाँ पे जी ऑफ एक्स आपको यहाँ पे हम क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब जो आपके पास जो गिवन पी ऑफ एक्स है ना उससे ये जी ऑफ एक्स को डिवाइड कर देते, आपको क्या कहा ऑलरेडी उसके फैक्टर है ही क्या है दो जीरोस आपके गिवन है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा जीरो। तो आप यहाँ पे हम डिवाइड करके देख लेते हैं, और हमें जो सपोज कि आपको ऐसा कहा होता कि भाई 343 के फैक्टर निकालो, तो 343 के फैक्टर निकालने के लिए आपको 343 के फैक्टर नहीं मालूम होते, लेकिन आपको इतना मालूम होता है कि ये क्या है 7 से डिविजिबल है, क्या है 7 से डिविजिबल है, तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 फोर जा 28 होता है, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे आपको 63 और 79 जा 63 के, तो यहाँ पे आपको तो आपको 49 के तो फैक्टर मालूम है क्या है 7 × 7। तो उसी तरह यहाँ पे आपको ये पूरे पी ऑफ एक्स के फैक्टर नहीं मालूम है, लेकिन आपको एक फैक्टर मालूम है, एक फैक्टर उसका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो बाद में उसके जो बाकी के फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम करते हैं उसका, तो 2x^4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, और कोई भी साइन लेने में मिस्टेक हुए तो मुझे ऑन द स्पॉट बताना। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है। नाउ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है x^4 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे आगे 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं तो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक, तो 2x^4 बाद में माइनस 2 × 2 करोगे तो क्या होगा माइनस 4 होगा और माइनस 4x², तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे माइनस 4x² होगा ठीक। नाउ अब क्या करनी होती है साइन चेंज करनी, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगी, यहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगी, 4x² 2x^4 और 2x^4 कट हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस 3x³ एज इट इज नीचे आएगा, और यहाँ पे प्लस 4x² माइनस 3x² करोगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचता है 1, तो बिगर की साइन तो 4x के आगे प्लस साइन है तो यहाँ पे x² ऊपर से क्या आएगा प्लस 6x आएगा। नाउ सब्ट्रैक्शन, अब क्या है x³ लाने के लिए आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ, यहाँ पे आगे क्या है माइनस 3 तो माइनस 3x के साथ, और ये चीज आप याद रख लेना कि यहाँ पे जो साइन है उसके साइन से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको कोफिशियंट दिया है 3 है, यहाँ पे हमारे पास कोफिशियंट 1 है तो वही सेम कोफिशियंट से 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² × 3x करोगे तो क्या होगा माइनस 3x के साथ करते तो माइनस 3x³ होगा, देन आफ्टर माइनस 2 × माइनस 3 तो 2 × 3 जाए कितना होगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6 होगा और x होगा क्योंकि माइनस 2 × माइनस 3x करोगे तो क्या होगा प्लस 6x होगा। नाउ साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस है वो प्लस हो जाएगी, प्लस है वो माइनस हो जाएगी ओके, यहाँ पे कट हो जाएगा 3x² माइनस प्लस 3x², यहाँ पे प्लस 6x है माइनस 6x कट हो जाएगा, नाउ ऊपर से क्या आएगा x² और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2। अब क्या है x², यहाँ पे भी हमारे पास x² है तो कोई चीज हमें जरूरत नहीं है, x² का क्या साइन क्या है प्लस, तो अब किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × 1 करोगे तो क्या होगा x² होगा, नाउ माइनस 2 × 1 करोगे तो माइनस 2 होगा ओके। नाउ यहाँ पे साइन चेंज करोगे तो माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगी, आंसर आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। नाउ आर ऑफ एक्स यहाँ पे मैं सिंपल साइड में लिखता हूँ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड क्यू ऑफ एक्स क्या है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब आपको क्या करना है जो आपको दो जीरो तो ऑलरेडी मालूम थे, एक तो क्या था अंडर रूट 2 और एक तो माइनस अंडर रूट 2, अब क्या करें इसके जीरो फाइंड आउट कर लोगे कोसेंट के, क्या कोसेंट के जीरो फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे हम कोसेंट के जीरो फाइंड आउट करते हैं तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके हम इसके जीरो फाइंड आउट करते हैं तो क्या है यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है एंड c इज इक्वल टू 1 है, तो 1 × 2 करोगे
क्या ए इंटू सी करोगे तो क्या होगा, टू इंटू वन यानी कि टू ही मिलेगा। तो टू के ऐसे फैक्टर लेने जिसका सम करने से आपको क्या मिले, थ्री मिले। तो टू और टू प्लस वन करोगे तो थ्री मिल जाएगा। ओके तो हम यहाँ पे वही ले लेते फैक्टर, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स, तो माइनस टू एक्स माइनस क्या है, माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स ही हो जाएगा। यानी कि वही टर्म, सिर्फ यहाँ पे जो टर्म लेने के लिए इसके फैक्टर निकालने होते हैं। नाउ यहाँ पे प्लस वन दिया है के इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट टू टर्म में से, फर्स्ट टू टर्म में से क्या टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो टू एक्स कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस यहाँ पे टू एक्स तो चला गया तो बचेगा क्या, कोई नहीं, तो ठन ठन गोपाल वन। यहाँ पे माइनस वन कॉमन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, माइनस वन, तो यहाँ पे एक्स के आगे माइनस वन था तो माइनस वन चला गया तो एक्स बचेगा। यहाँ पे प्लस वन है तो माइनस वन निकालोगे तो क्या करोगे, माइनस वन, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन करोगे तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक्स माइनस वन दोनों में है तो यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स माइनस वन कॉमन निकालो, एक्स माइनस वन कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस सॉरी टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड या तो और टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। नाउ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो सामने की साइड जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे टू एक्स माइनस वन है सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस वन होगा। यहाँ पे टू मल्टीप्लीकेशन में सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। नाउ हमें यहाँ पे टोटल जीरो क्या, द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो क्या हो गए, तो एक तो अंडर रूट टू, सेकेंड माइनस अंडर रूट टू गिवन है, बाद में क्या हमें मिला, एक तो वन मिला और अदर वन अपॉन टू। ओके इफ टोटल फोर जीरोस हुए, यहाँ पे एंड करके लिख दो, एंड वन अपॉन टू। ओके देर आर द ऑल जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। के क्वेश्चन समझ में आया पूरे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो आपको गिवन यहाँ पे है वो है, और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री। नाउ इसका हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू फाइव अपॉन अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री, तो इस साइड आएगा तो माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री होगा, और इसका भी इस तरह से हो जाएगा कि x प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। नाउ x माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इज इक्वल टू जीरो होगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री, क्या होगा यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है लेकिन फाइव स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाता है इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थ्री को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्या थ्री को सभी इक्वेशन को या तो पूरे इक्वेशन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री इंटू थ्री, तो यहाँ पे थ्री थ्री कट हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो इंटू थ्री, तो यहाँ पे भी क्या होगा जीरो इंटू थ्री यानी कि क्या आएगा जीरो आएगा। नाउ आपके पास इक्वेशन होता है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये आपको क्या मिला, ये आपके पास जी ऑफ एक्स है। ओके जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, बाद में आप डिवाइड करो जो हम सेम प्रोसीजर से करते थे उसी तरह से डिवाइड करेंगे। ओके तो यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव और थ्री एक्स रेस टू फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव। ओके यहाँ पे आपको डिवाइड करना है जो आपको क्वेश्चन जो मिले, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स, ओके क्यू ऑफ एक्स जो मिले उसके बेस आपको उसके बाद में फैक्टर निकलना है आपको आर एफ एक्स, यदि आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो आर ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। ओके ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाय द पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स से डिवाइड करोगे तब आपको कोशेंट कोशेंट और रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स माइनस टू है एंड रिमाइंडर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे माइनस टू एक्स प्लस फोर दिया है। देन और पी ऑफ एक्स आपको क्या दिया है जो क्वेश्चन का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ओके आपको क्या कहा है
कि फाइंड द जीओफेक्स फाइंड आउट करना है, जीओफेक्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या होता है, जो स्टेटमेंट होता है उसके पहले लिखते हैं क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करने का, जीओफेक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स ओके प्लस आर ऑफ एक्स होता है। ओके, तो यहाँ पे प्लस आर ऑफ एक्स है वो क्या होगा, यहाँ पे पी ऑफ एक्स में आपको जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तो आर ऑफ एक्स सामने की साइड जाने दोगे, यहाँ पे हम पूरा लिख लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है, वो इजी चीज रखते हैं। क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस टू है, एंड आर ऑफ एक्स क्या मिला आपको, इसको ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आर ऑफ एक्स है माइनस टू एक्स प्लस फोर है। ये सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, यहाँ पे माइनस टू एक्स है इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस टू एक्स होगा, यहाँ पे प्लस फोर है इस साइड आएगा तो माइनस फोर होगा। नाउ यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन कर दे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाद में एक्स प्लस टू एक्स तो क्या होगा, थ्री एक्स होगा, और प्लस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू है वो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। ओके, तो बाद में यहाँ पे आप डिवाइड करोगे एक्स माइनस टू से, तो नाउ यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए। नाउ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो आपको जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, जी ऑफ एक्स होगा। ओके, एक्स माइनस टू से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब होगा। नाउ टू इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, टू एक्स स्क्वायर होगा। ओके, नाउ यहाँ पे साइन चेंज करते माइनस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे क्या है, टू थ्री एक्स है तो थ्री एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स है तो माइनस साइन लाने के लिए माइनस पुट करेंगे, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस टू इंटू माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा, माइनस प्लस टू एक्स होगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे थ्री एक्स माइनस टू एक्स करोगे तो एक्स माइनस टू बचा, एक्स माइनस टू को यहाँ पे किससे डिवाइड, एक्स माइनस टू है दोनों साइड, तो यहाँ पे प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू होगा। ओके, नाउ साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, कट हो जाएगा, यहाँ पे भी कट हो जाएगा, जीरो जीरो, तो आपको क्यू ऑफ एक्स जो मिला वो क्या होगा, आपका आर ऑफ एक्स होगा। क्या, सो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स आपको क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन वो मिल रहा है। सो g of x is x square minus x plus 1, okay? समझ में आया? Now यहाँ पे given example of a polynomial p of x, g of x, q of x और r of x बताना है, which satisfying the division algorithm. तो degree of p of x and degree of q of x के दोनों equal होने चाहिए। तो suppose आपको p of x का ऐसा example ले लो कि x cube plus 3x square plus 2x plus 1. ओके, ये क्या हुआ, पी ऑफ एक्स, और आर ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स है, तो क्यू ऑफ एक्स यानी कि क्यू ऑफ एक्स लेने के लिए आपको क्यू ऑफ एक्स की डिग्री भी क्या होनी, एक्स क्यूब आनी चाहिए। तो ऐसा क्या लोगे, तो आर ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स लेना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स ऐसा क्या लेंगे हम, तो जी ऑफ एक्स वन लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म लेंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, आर ऑफ एक्स, सॉरी जी क्यू ऑफ एक्स वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके, या तो आप उसका ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि p of x is equal to x plus 2, okay, x plus 2, बाद में g of x यानी कि 1 ले लो, okay, और q of x आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा, क्या, x plus 2 ही मिलेगा, और उस टाइम पे r of x क्या मिलेगा, r of x is equal to 0 मिलेगा। okay, फर्स्ट क्वेश्चन में ये करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन के लिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है, p of x और r of x दोनों एक होना चाहिए, q of x और r of x, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, q of x की डिग्री क्या हो रही है, तो यहाँ पे x टर्म कॉन्स्टेंट टर्म नहीं, तो x की क्या होगा पावर, कॉन्स्टेंट टर्म का मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसका डिग्री क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ओके, सेम एग्जांपल उसमें भी चलेगा, और आर ऑफ एक्स की डिग्री जीरो हुए तो एग्जाम्पल में यहाँ पे भी आर ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ, यहाँ पे डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स की क्या है, तो ये तीनों क्वेश्चन के लिए ये सेम एक इक्वेशन यही लिख दोगे ना, तो भी सभी के लिए सेटिस्फाई कंडीशन हो रहा, और आप डिफरेंट लिखना चाहते हैं तो डिफरेंट भी लिख सकते हो, इसमें एक्सरसाइज के आपको जो पीछे सॉल्यूशन होता है टेक्स्ट बुक में वहाँ पे भी आपको शायद डिफरेंट दिए होंगे, मुझे पता नहीं है,
लेकिन आप अपने तरीके से रेंडमली कुछ कोई भी ले सकते हो। ओके ओके सर, तो थैंक यू वेरी मच। ओके।